अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक लेक्चर नंबर 4। और लेक्चर नंबर 4 में हम कुछ टर्म्स को जिनको हम पहले भी जानते हैं दोबारा से देखेंगे, उनकी थोड़ी डिटेल है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करेंगे, हमारे पास जो ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंसेस हैं उनमें जो टर्म्स हम यूज़ करते हैं वो कौन कौन सी हैं। जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कायरल कार्बन की। कायरल कार्बन, इससे रिलेटेड पहले भी हम बात कर चुके हैं। कायरल कार्बन में यहाँ पे मैं दो एग्जांपल्स ले लेता हूँ। एक हमारे पास 2-ब्यूटानोल है, 2-ब्यूटानोल, और दूसरी हमारे पास लैक्टिक एसिड है। इनकी यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो दूसरी इससे जो ऑपोजिट टर्म होगी वो होगी ए कायरल कार्बन। अब इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं 2-प्रोपेनोल की। जैसे वो 2-ब्यूटानोल है तो यहाँ पे 2-प्रोपेनोल होगा, प्रोपेनोल। सो ये ओ है यहाँ पे, 2-प्रोपेनोल। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा, अब ना सबसे पहले मैं इनको जस्टिफाई कर देता हूँ। हम 2-ब्यूटानोल की जब बात करते हैं, CH3CH यहाँ पे आ जाता है OH, और यहाँ पे C2H5, यानी ये इथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल है। दिस इज कॉल्ड 2-ब्यूटानोल। अब ये जो कार्बन है दिस इज नोन एज कायरल कार्बन। मैं इसको स्टार से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड कायरल कार्बन। इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। इसको ना हम कायरल कार्बन और कायरल सेंटर, इसको कायरल सेंटर भी कहते हैं, कायरल सेंटर, ये इसी के दोनों नाम हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा, ये जो कार्बन है ना इसका एक और भी नाम है, दिस इज ऑल्सो नोन एज एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन, क्योंकि ये सारी टर्म्स यूज होती हैं तो फिर हमें पता नहीं चलता कि एसिमेट्रिक कार्बन, कायरल सेंटर, कायरल कार्बन ये क्या होते हैं। ये तीनों एक ही नाम है, कायरल कार्बन हो जाए, कायरल सेंटर आ जाए या एसिमेट्रिक कार्बन आ जाए, तो बात एक ही है। अच्छा, इनके जो इनेंशियोमर्स होते हैं ना, मैंने वर्ड इनेंशियोमर बोला है, इसका मतलब ये दो आपके पास इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे यहाँ पर। ये यहाँ पर अगर हम मिरर रख दें ना, मिरर, तो ये एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पॉसिबल होंगे। मतलब अगर मिथाइल इधर आ जाए और ये C2H5 इधर आ जाए, तो हम इन दोनों को एक दूसरे के इनेंशियोमर्स कहते हैं, क्योंकि ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है, मिरर इमेज है। तो ये ना दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर्स कहलाते हैं। याद रहे, दीज आर टू नोन एज इनेंशियोमर्स। और इनमें से चूंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि इसके पास कायरल सेंटर है, एक डेक्स्ट्रो हो सकता है। अगर मैं इसको डेक्स्ट्रो मान लूं, यानी ये क्लॉकवाइज रोटेशन करवाएगा, यानी हम इसको पॉजिटिव रोटेशन कहते हैं, यानी राइट साइड की तरफ, तो दूसरा फिर क्या होगा, लिवो, फिर हम इसको नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है। तो ये एक दूसरे के इनेंशियोमर्स कहलाते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे पे इम्पोज नहीं हो सकते। और इस तरह हमने यहाँ पे दो टर्म सीखनी हैं, इनेंशियोमर्स और डेक्स्ट्रोलिवो जो हम पहले भी जानते हैं, और कायरल कार्बन, कायरल सेंटर और एसिमेट्रिक कार्बन। यहाँ पे तो ये बातें हुई। अब इसी तरह ये जो हमने लैक्टिक एसिड की एग्जांपल ली है, लैक्टिक एसिड में यहाँ पे सिर्फ COOH ग्रुप होता है, COOH, और ये इस तरफ ये COOH ग्रुप आ जाएगा। ये बेसिकली कार्बन का बॉन्ड है, अगर हम इसको सही से बनाना चाहें ना, तो ये बेसिकली यूं COOH। तो ये भी एक दूसरे के इनेंशियोमर्स हैं, क्योंकि हम इनको एक दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हैं। लेकिन जो हमने यहाँ पे बात की है 2-प्रोपेनोल की, पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं, 2-प्रोपेनोल हमारे पास है CH3CH, यहाँ पे OH है और इधर आ जाएगा CH3। इस H को अगर मैं यहाँ लिख दूँ, यहाँ, तो आप इसमें चेक करें, ये जो कार्बन है ना, ये वाला, ये एसिमेट्रिक नहीं है। इसको मैं ये कह सकता हूं ये ए कायरल है। क्या है ये? ए कायरल। या मैं इसको क्या बोलूंगा, ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक। ए कायरल इसलिए है क्योंकि इससे चारों ग्रुप्स डिफरेंट अटैच नहीं है, ए कायरल हुआ। सिमेट्रिक इसलिए बोला क्योंकि कहीं से इसकी सिमेट्री मैच कर रही, जैसे ये दोनों मिथाइल ग्रुप है, इसको एसिमेट्रिक बोला था जो कायरल था। एक आयरल को जो कायरल सेंटर नहीं रखता उसको सिमेट्रिक कहते हैं, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते। एक आयरल की मैं बात कर रहा हूं, यानी सिमेट्रिक कार्बन की। क्यों? क्योंकि इनके जो इमेज होते हैं ना वो एक दूसरे के ऊपर इंपोज हो जाते हैं, यानी सुपर इंपोजिबल होते हैं।
पहले हमने वर्ड बोला था नॉन सुपर इम्पोजिबल, यहां पे मैंने क्या बोला है कि ये एक दूसरे के ऊपर इंपोज हो जाएंगे, मतलब दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप सेम है तो ये एक दूसरे के ऊपर इंपोज हो सकते हैं, दैट्स वाई वी कॉल्ड देम सुपर इम्पोजिबल इम्पोजिबल मिरर इमेज। सही है। सो इसलिए ये वाले ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ये याद रहे, दीज आर ऑप्टिकली ऑप्टिकली इनएक्टिव। स्टूडेंट्स यहां तक मुझे बिल्कुल मैं मेक श्योर हूं कि आप क्लियर होंगे। अब जो हमारी टर्म्स हैं सिमेट्रिक एसिमेट्रिक कार्बन या काइरल ए काइरल या फिर हम इनको जो काइरल सेंटर मैंने बोला इनेंशियोमर्स बोला, ऑप्टिकली एक्टिव कौन होंगे कौन नहीं होंगे ये आपको बिल्कुल अब क्लियर कट पता होना चाहिए। यहां तक तो ही बात हमारी। अब ये जो यहां पे मैं शो कर रहा हूं ना, ये जो मैं लाइंस लगा के शो कर रहा हूं, ये बेसिकली फिशर प्रोजेक्शन है। ये साइंटिस्ट ने हमें बताया किस तरह से इनको शो करना है, क्योंकि बेसिकली ये एक्सप्लेन करना बोर्ड पे थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो यही होगी फिशर प्रोजेक्शन पे। तो स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं फिशर प्रोजेक्शन की। तो यहां पे आपको दो तरह के लाइंस नजर आ रही होंगी, ये बेसिकली 3D स्ट्रक्चर है लैक्टिक एसिड का। ये आपको डॉटेड लाइंस नजर आ रही हैं, शेडेड लाइंस, और ये आपको सॉलिड लाइन नजर आ रही हैं। ये सॉलिड लाइन समझें ये आपकी तरफ आ रही हैं, और ये जो शेडेड लाइंस हैं ये बिहाइंड द प्लेन है। तो आउट ऑफ द प्लेन और बिहाइंड द प्लेन हमारे पास दो लाइंस हैं, मैं इनको बोल रहा हूं ये सॉलिड लाइन आउट ऑफ द प्लेन है, यानी ये प्लेन पे नहीं है, और ये इनवर्ड द प्लेन, प्लेन के अंदर की तरफ जा रही है, यानी ये हमारी तरफ आ रही है सॉलिड लाइन है और ये अबे जा रही है हमसे। तो फिशर ने इसको बताने का बहुत सिंपल तरीका बताया, उन्होंने बताया कि आप इस तरह यूं क्रॉस लगाएं ये लाइंस, यहां पे मैं दो तरह की लगा लेता हूं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इस पे आप ये बनाओगे जो इनवर्ड द प्लेन है, मतलब ये दो हैं, यहां पे बना लोगे आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप और नीचे मिथाइल ग्रुप आ रहा है वो इधर। इसी तरह ये जो आउट ऑफ द प्लेन आ रही हैं इनको हम हॉरिजॉन्टल बना लेंगे, यानी यहां पे आ जाएगा OH और यहां पे आ जाएगा H। ठीक है, तो इसका मिरर इमेज क्या बनेगा फिर, यहां पे मिरर है समझे, ये मिरर हो गया, तो यहां इसका मिरर इमेज बन जाएगा, उसमें भी यही आपने क्रॉस लगाना है। ये तो ऊपर ऐसे ही रहेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप CH3, इधर H आ जाएगा और इधर OH आ जाएगा, तो ये भी एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। ये जो यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं ये हमारा सेंट्रल एटम होगा जिसको हम काइरल सेंटर कहेंगे। तो इस तरह हमें 3D से 2D में लिखने का एक तरीका मिल गया है जिसको हम फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं। यहाँ पे अगर लैक्टिक एसिड की जगह 2-ब्यूटानोल होती ना, ये वाली हमारे पास अल्कोहल 2-ब्यूटानोल, तो यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जगह यहाँ होता C2H5, इधर भी क्या होता C2H5। इसको अगर हमने लिखना होता 3D से 2D में तो जस्ट यहाँ पे क्या आ जाता C2H5 और इधर भी क्या आ जाता C2H5। तो स्टूडेंट ये था हमारा लेक्चर नंबर 4 रिगार्ड्स टू स्टीरियोकेमिस्ट्री, और इस लेक्चर में हमने सीखा है कि किस तरह से हम 3D जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको कैसे 2D में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिशर प्रोजेक्शन। और इसके जो हमारा स्टार्ट वाला हिस्सा था चैप्टर लेक्चर का, उसमें हमने सीखा है कि काइरल सेंटर क्या होता है, काइरल कार्बन क्या होता है, इनेंशियोमर्स क्या होते हैं, ए काइरल कार्बन क्या होता है, काइरल कार्बन को एसिमेट्रिक क्यों कहते हैं और ए काइरल को सिमेट्रिक क्यों कहते हैं, कौन से कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और कौन से नहीं होते। तो यहाँ तक हमारे लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। इसे नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।